everyone welcome back to the physics online education i hope you are doing well and in this video we are going to understand the topics of quantum physics and these topics are first is black body radiation and next is planck's hypothesis and planck radiation law and next photoelectric effect फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे आज के सेक्शन में हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सो लेट्स बिगिन विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या है ब्लैक बॉडी क्या है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंस इंसिडेंट ऑन इट उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब वो बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएशन्स को सभी वेवलेंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे जो हमने उसके ऊपर क्या की हैं इंसिडेंट करवाई हैं ठीक है ठीके? और उस बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलेंगे और जो रेडिएशंस ये बॉडी इमिट करेगी दैट रेडिएशन आर कार द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं ये इमिट किस पर होती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पर इट मीन्स जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर टेम्परेचर पर अगर हम एक ग्राफ लोड करें इधर मैं ले लूँ वेव और इधर मैं लूँ एनर्जी तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हम ग्राफ देखते हैं इस तरह से ठीक है ये किसी टेम्परेचर पे ले लो जैसे मैंने ले लिया इसको फोर थाउजेंड कैलविन पर ठीक है अब आप क्या देख रहे हो इस ग्राफ से क्या शो रहा है इस ग्राफ से ये शो रहा है जो इन एनर्जी है वो आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अगर हम इस गर्व में ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या मिल रही है एक पीक मिल रही है इस रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर एट अ पर्टिकुलर वेव ये पीक हमें मिलेगी यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेव के कोरिस्पॉन्डिंग ठीक है और एनर्जी जो है हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे जैसे ये 4000 पे है अगर मैं टेम्परेचर 5000 पे कर दूं, तो जो मेरी कर्व की जो पीक है वो शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द लोअर वेवले मतलब अब मेरे पास पीक यहाँ पर आ रही थी फोर थाउजेंड पे अगर टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरी पीक इस तरह से आएगी ठीक है अब जो मेरी पीक आ रही है वो यहाँ आएगी पीक कहाँ शिफ्ट होगी पहले पीक यहाँ थी आप पी के इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ होगी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी ठीक है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो पीक है जो हमारी पर्टिकुलर वेवलेंथ के की कॉरस्पॉन्डिंग आ रही थी वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ ठीक है ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से अटेम्प्ट हुए और रेले एंड जीन्स ने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का यूजिंग क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज़ करके इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया जो एनर्जी रेडिएटेड होती है पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ लैमडा एंड लैमडा प्लस डी लैमडा एक एक्सप्रेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या था ई लैमडा डी लैमडा ये क्या है एनर्जी डेंसिटी है इज इक्वल टू एट पाई लैमडा फोर के बी टी डी लैमडा ठीक है ये हमारे पास क्या था रिले एंड्रीन ने ये एक्सप्रेशन दिया अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्या लूँ एट लैमडा लैमडा की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी लेती हूँ तो मेरे पास ई e लैमडा क्या आएगा ये ई लैमडा डी लेमडा क्या आएगा एनर्जी डेंसिटी जो है ये क्या आएगी हमारे पास ज़ीरो ठीक है और यही हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी हुआ कि जब हमारे पास लैमडा जो है इनफाइनाइट है तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी क्या है जीरो है तो एक्सपेरिमेंटली ये ठीक था जो ऑब्जर्व हुआ वही एक्सपेरिमेंटली हमारे पास रिजल्ट था ठीक है अब अगर मैं बात करूँ एट लैमडा जीरो लैमडा अगर जीरो है तो ई लैमडा डी लेमडा मेरे पास क्या आ जाएगा इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई इन बट ये क्या है कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट है विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ठीक है क्योंकि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या है फाइनाइट है तो यहाँ से क्या शो हुआ यहाँ से ये शो के रिले और जीन्स ने जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो ये एक्सप्रेशन दिया ये एक्सप्रेशन ठीक है कहाँ पर हायर वेवलेंथ पर लोअर वेवलेंथ पर ये क्या हो गया इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया इसने किस पर एक्सप्लेन किया एट हायर वेवलेंस या एट लोंगर वेवलेंस की अगर हम बात करें तो रिले एंड जीन्स ने अपना ये एक्सप्रेशन दिया ठीक है उसके बाद वीन्स ने क्या किया विन्स ने कोशिश की कि वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को क्या कर सके एक्सप्लेन कर सके तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या एक्सप्रेशन दिया उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है ई लैमडा डी लेमडा वो किसके इक्वल होगी एट पाई लैमडा की पावर फो फाइव एच सी ई रेज टू पावर माइनस एच सी बाई लैमडा के बी टी डी लेमडा ठीक है यहाँ पर के आपको पता है ये क्या है बोल्जमैन कांस्टेंट है ठीक है ये एक्सप्रेशन दिया गया किसके अकॉर्डिंग वेंस के अकॉर्डिंग आप ये जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया ये एक्सप्रेशन इन, इन इस एक्सप्रेशन को उन्होंने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है सिर्फ और सिर्फ किन वेवलेंस के लिए वो एट द लो वेवलेंस वो हायर के लिए था ये किसके लिए है लोअर वेवलेंस पर तो ये हमारा फॉर्मूला सही इन कर्व्स को एक्सप्लेन कर देता है लेकिन जैसे ही हमारे पास हायर वेवलेंस होती हैं तो हमारे पास जो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ठीक है तो मतलब कोई एक कंप्लीट ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था जो पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सके रेले ने जो दिया उसके अकॉर्डिंग वो किसको किस पर एक्सप्लेन करा था ओनली एट हायर वेवलेंस और ये किस पर कर रहा था ओनली एट लोअर वेवलेंस ठीक है तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को इन दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसको एक्सप्लेन किसने किया इसको एक्सप्लेन किया प्लैंक्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था या हम ये कहेंगे कि प्लैंक्स ने एक रेडिएशन ला दिया था उसके अकॉर्डिंग इन इन दोनों को भी हम जो प्लैंक्स का रेडिएशन ला था या प्लैंक्स का जो हाइपोथेसिस था उसको मानते हुए हम इन दोनों एक्सप्रेशन को भी डिराइव कर सकते हैं प्लैंक्स ला से तो अब हम देखते हैं कि प्लैंक्स ला क्या होता है नेक्स्ट इज प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड प्लैंक्स रेडिएशन ला ठीक है 1901 के अंदर प्लैंक्स ने क्वांटम थ्यूरी ऑफ हीट रेडिएशन दिया अकॉर्डिंग टू हिम जो ब्लैक बॉडी है जब रेडिएशन को इमिट करती है ठीक है तो हम उसको मान के चलते हैं कि इट कैन बी स्पोज टू फिल्ड अप विद सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर्स जिसको आप प्लैंक्स ऑसिलेटर भी बोलते हो ठीक है तो वो सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर्स की फॉर्म में है और ईच हैज़ करैक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी हर एक की करैक्ट्रिस्टिक फ्रिक्वेंसी होगी और जो ब्लैक बॉडी ने रेडिएशन इमिट की है उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं है बल्कि वो एनर्जी को इमिट कर रहा है डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स जैसे हमारे पास उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी E इज़ इक्वल टू एन एच न्यू के इक्वल होगी वेयर n इज क्वांटम नंबर और n की वैल्यू आपके पास जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन हो सकती है ठीक है अगर n अगर आप वन लो तो E इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा h न्यू इन क्वांटम ऑफ रेडिएशंस को आप क्या बोलते हो फोटोन भी बोलते हो ठीक है जो एनर्जी है वो आपकी जो चेंज होगी वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी बल्कि कैसे चेंज होगी डिस्क्रीट सेट में चेंज होगी ओके तो प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग एट पाई एच सी बाई लैमडा की पावर फाइव वन अपॉन ई रेस्ट टू पावर माइनस एच सी माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा माइनस ई रेस टू पावर एच सी लैमडा के बी टी माइनस वन डी लैमडा ये फॉर्मूला दिया था ठीक है ये क्या है प्लैंक्स रेडिएशन ला के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी है उसका एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसने कंप्लीटली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था फॉर ऑल वेवलेंस ठीक है और इस फॉर्मूले से ही हम जो पीछे एक रेले ने फॉर्मूला दिया और जो वीन्स ने फॉर्मूला दिया उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं अगर हम पहले लें डेरिवेशन ऑफ रेलेज ला फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तो उसके अकॉर्डिंग एट लॉन्गर वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ईरेस्ट टू पावर एच सी बाय लैमडा के बी टी ठीक है इसको मैं x मान लूँ तो e रेज टू पावर x किसके इक्वल होगा वन प्लस एक्स के इफ़ एक्स लेस देन वन ये वैल्यू क्या होगी लेस देन वन होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लॉन्गर वेव तो अगर हमारे पास ये टर्म लेस देन वन है तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है तो इस फो ये वन प्लस एक्स के इक्वल आएगा तो ये टर्म मेरे पास वन प्लस एक्स के इक्वल आएगी तो कैसे आएगी इसको सॉल्व करूंगी तो मैं वन प्लस एच सी बाई लैमडा के बी टी इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूं तो ई लैमडा डी लैमडा मेरे पास क्या आएगा एट पाई एच सी बाई लैमडा की पावर फाइव इंटू वन अपॉन वन प्लस एच सी बाय लैमडा के बी टी साथ में क्या है माइनस वन माइनस वन वन से वन कैंसल ठीक है अब मेरे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला आएगा मेरे पास एट पाई एच सी पहले था लैमडा की पावर फाइव ये लैमडा के बी टी पर चला जाएगा एच सी नीचे ही था डी लैमडा यही आएगा ठीक है एच सी से एच सी कैंसल लैमडा से लैमडा की पावर फाइव की जगह फोर आ जाएगा अब ई लैमडा डीलैमडा किसके इक्वल आएगा एट पाई लैमडा की पावर फोर के बी टी डी लैमडा ठीक है ये कौन सा किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया ये एक्सप्रेशन आ गया रिलेज एंड वीन्स सॉरी रिलेज एंड जीन्स फॉर्मूला किसके लिए गया? आ गया रिलेज एंड जीन्स का फॉर्मूला आ गया किससे ड्राइव किया हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से ठीक है अब हम क्या करेंगे हम ड्राइव करेंगे वींस ला को फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ वींस लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन ला ठीक है अब हम क्या ले रहे हैं एट शॉर्टर वेवलेंस शॉर्टर वेवलेंस के लिए ईर टू पावर एच सी बाई लैमडा के बी टी ठीक है ये टर्म शॉर्टर वेवलेंथ के लिए क्या होगी अगर वेवलेंथ शॉर्ट है ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी होगी ठीक है ये टर्म जब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू वन अगर हम एज़ कम्पेयर टू वन लें तो इसमें से अगर हम माइनस वन कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत बड़ी टर्म में से माइनस वन भी कर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं माइनस वन को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्लैंक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था ई लैमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एट पाई लैमडा की पावर फाइव एच सी वन अपॉन ई रेस्ट टू पावर एच सी बाई लैमडा के बी टी माइनस वन यही था तो इसमें से मैंने क्या किया माइनस वन जो है अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ की बात करूं तो माइनस वन को हम क्या कर देंगे निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस टर्म इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वन ठीक है तो वन से बहुत ज़्यादा लार्ज है अगर उसमें से वन माइनस कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं वन को क्या कर देती हूँ इस टर्म से निगलेक्ट कर देती हूँ अगर मैं वन को निग्लेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा एट पाई एच सी लैम्डा की पावर फाइव ई डेज टू पावर माइनस एच सी बाई लैमडा के बी टी ये कौन किसके लिए आ गया ये ये कौन सा फॉर्मूला आ गया ये कौन सा ला आ गया मीन्स ला ठीक है तो हम प्लैंक्स रेडिएशन ला से दोनों ही लाज को ड्राइव कर सकते हैं ठीक है आप आते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्रैंक्स रेडिएशन ला से हमारे पास एक टर्म आई थी जिसको मैंने बोला था क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर क्या बोला था फोटोन ठीक है उस फोटोन्स की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फ़ोटोन फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है इज़ इक्वल टू एच नू मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यही होगा ठीक है और ये पैकेट जो है हमारे पास एनर्जी का इतना स्मॉल होता है कि इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है दे ट्रेवल विद द विलोसिटी ऑफ लाइट विलोसटी ऑफ लाइट्स दे ट्रेवल विद द विलोसिटी ऑफ लाइट थर्ड पॉइंट इज़ कि इसका जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो है लेकिन अगर हम मास की बात करें तो हमारे पास जो मास है एम वो किसके इक्वल आएगा ई बाय सी स्केयर ई किसके इक्वल है एच न्यू बाय सी स्केयर के एच न्यू सी इंटू सी और सी बाय न्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ लैमडा तो ये क्या आ गया एच सी लैमडा ये मेरे पास मास आ गया किसका फोटोन का ठीक है उसके बाद हमारे पास फोटोन का अगर हम मोमेंटम देखें तो फोटोन का मोमेंटम क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास ई e स्केयर होता है पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट स्केयर सी की पावर फोर रेस्ट मास क्या है फोटोन का ज़ीरो तो एम नोट क्या है ज़ीरो तो मेरे पास ई e क्या आ गया पी स्केयर सी स्केयर E क्या आएगा यहाँ से पी सी और P अगर मैं देखूँ तो क्या आ गया E बाय C और e किसके इक्वल था एच न्यू बाय C के C बाई न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं लैमडा तो ये क्या आ गया h बाई लैमडा ये क्या है मोमेंटम आ गया फोटोन का ठीक है दूसरा फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ये फोर प्रॉपर्टीज फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास फोटोन की। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है आप पहले समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ना तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इजेक्टेड आउट होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट होते हैं इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब देखो अगर हमारे पास जो मेटल का सरफेस है वो अल्कली मेटल्स का है जैसे सोडियम हो गया ठीक है पोटेशियम हो गया इस तरह से अगर तो हमारे पास ऐसा मेटल सरफेस है तो हमें जो लाइट है वो किसकी फॉल करवानी पड़ेगी विजिबल लाइट विजिबल लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी जिसकी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है फोर इंटू टेन एज टू पावर फोटीन से एट इंटू टेन एज टू पावर फोर्टीन हार्च तक इसकी जो रेंज है वो ये है. ठीक है विजिबल लाइट की और अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स नहीं मेटल्स हैं लाइक like जिंक ठीक है तो हम विजिबल लाइट को फॉल नहीं करवाते तब हम किसको करवाते हैं अल्ट्रा वायलेट को जिनकी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है एट इंटू टेन एस टू पावर फोर्टीन से थ्री इंटू टेन एज टू पावर सिक्सटीन हर्ज तक ठीक है इतनी हमारे पास उनकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे हम एक इवेक्यूएटेड क्वार्च ट्यूब ले रहे हैं जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स ली हैं मैंने ए और बी ए को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से ठीक है और हम क्या करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इसके ऊपर फोल्ड करवाएंगे सिंगल वेवलेंथ की जब ये लाइट जो है मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट हुए हैं मेटल सरफेस से उसको हम कलेक्ट किस पे करेंगे इलेक्ट्रोड बी पर ठीक है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेज़र करेंगे इससे हम ये क्या है हमारा अमीटर है ठीक है ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब आता है ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या फिर उसको आप बोल सकते हैं ऑफ इफेक्ट तो वो हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या उसको हम क्या बोलते हैं लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है फॉर एवरी मेटल सरफेस हर एक मेटल सरफेस के लिए हमारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेश फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो एवरी मेटल सरफेस के लिए थ्रेश होल्ड फ्रिकवेंसी है ठीक है और ये थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी के बिलो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी से बिलो है ठीक है तो एवरी मेटल सरफेस के लिए देयर शुड बी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस और उस जब हमारे पास फ्रिकवेंसी म्यू नोट से कम है ना तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे कुछ भी हो आपका फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा इमिशन आपके इलेक्ट्रॉन सेजेक्टेड आउट नहीं होंगे अगर आपके पास थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं है तो ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है जो हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इसके अंदर क्या है ये जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं उनकी वेलोसिटी मिनिमम भी हो सकती है ज़ीरो और वेलोसिटी क्या हो सकती है मैक्सिमम भी हो सकती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर हमारे पास मैक्सिमम वलोसटी जो है वो डिपेंड करेगी और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट किसके होगी इनडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट सेकेंड थर्ड ला क्या है हमारे पास जो रेट ऑफ एमिशन है कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर ठीक है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ठीक है यानी कि रेट ऑफ एमिशन डिपेंड करता है किसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर तो दीज आर द थ्री लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कसड अबाउट आइंस्टिन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन And Compton effect. Thank you.